हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। दिवाली आ रही है और मैं चाहती हूं कि आप सब लोग भी अपने लव्ड वंस को कुछ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दें। और आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि कैसे मैंने सिर्फ दो तीन चीज़ों से जो घर में इजीली अवेलेबल हैं उनसे गिफ्ट बनाने की कोशिश की है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये दो डब्बे देख रहे हैं, ये दोनों मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर से बनाया है। न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड ले सकते हैं। और ये देखें, ये इसका ढक्कन भी लग जाता है आराम से। और इस तरह के डब्बे का इस्तेमाल आप ड्राई फ्रूट रखने के लिए और ज्वेलरी रखने के लिए, मतलब आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं इस तरह के कंटेनर का। और इसको बनाने में भी बहुत मिनिमम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसके लिए हमें चाहिए न्यूज़पेपर, सीज़र, एक्रेलिक कलर, ग्लू और डेकोरेशन के लिए ये थोड़े से जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, बीड्स हो या फिर इस तरह के मिरर्स हो तो आप ले सकते हैं। और पेंट ब्रश, बस इतनी सी चीज़ों से हमारा ये खूबसूरत सा कंटेनर बनके रेडी हो जाएगा। इसके लिए जो मेन चीज़ है वो है ये न्यूज़पेपर रोल। न्यूज़पेपर इसकी क्लिपिंग मैंने अपने वीडियो में दिखाई हुई है, फिर भी मैं आप लोगों को, मैं इसलिए इतना डिटेल में बताती हूँ आप लोगों को क्योंकि ये दिखने में बहुत इजी लगते हैं बनते हुए, लेकिन जब आप इसको बनाने जाएंगे, जैसे मैं भी जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना पड़ता है। आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना हो, ये न्यूज़पेपर है, इसको हम लोग ऐसे लंबाई में हाफ हाफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें जो पीस मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। और इसे क्या करना है, हमारे पास इस तरह के, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ पेंट ब्रश है ये, और कोई भी इस तरह की चीज़ लें और इसको फोल्ड करते हुए रोल बना लें। इस बनाने के लिए, इस तरह का राउंड शेप बनाने के लिए इस तरह के हार्ड पेपर का इस्तेमाल करना है। और हमें ज़्यादा मोटा नहीं लेना है क्योंकि हमें इसको हल्का फुल्का ही रखना है। तो आपके इस तरह के पेपर में अगर आप दो जोड़ देते हो तो इस तरह के पेपर में आपका पूरा गोल सर्कल बन जाएगा। और इसको इसको एक छोटा पोर्शन इसका काट लेने से ये इसके जो हमने इसका कवर बनाया है, ये इसका लिड बनाया है, ये इसके काम आ जाएगा। इस तरह से दो पोर्शन काटे, एक बड़ा एक छोटा। अब देखिए, मैंने एक तैयार करके रखा हुआ है, इसका ये बीच वाला पार्ट है जो मैंने आपको अभी कट करना दिखाया था, और ये इसका लिड है, और एक इस तरह का बेस और एक इससे बड़ा बेस। जैसे ये हम जब भी ये इसका लेड बनाते हैं तो इसको इस पर डाल के देख लें कि इसमें फिट आ रहा है कि नहीं। जब इस तरह का बेस बनाना है तो हमें अपने कार्डबोर्ड के ऊपर या जो मैंने हार्ड पेपर बताया था उसको गोल रैप करके चिपका लेना है, इस तरह का गोल सर्कल बना लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से इस रोल को चिपकाते जाना है। बहुत ईजी है ये। और इसको बनाने के लिए भी मैंने तरह तरह के शेप बनाए हुए हैं, जैसे कि मैंने क्लिपिंग में भी दिखाई हुई है ये चीज़ें दिखाई हुई हैं। और इस तरह से इसको रोल करते हुए, और ये थोड़ा आपको परेशान करेगा लेकिन आप धीरे धीरे आराम से करें इसको। बार बार ये खुल भी जाते हैं बनते हुए। हल्का हल्का ड्रॉप फेविकॉल का लगाते हुए इसमें इसको पूरा इस तरह से बना लें। ये भी बहुत इजी है। जब आपका इतना बड़ा शेप हो जाएगा आप इसको नाप के देखते रहें कि ये कैसे फिट आता है इसमें। इस तरह से मैंने ये दोनों शेप भी बना लिए हैं। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। इसको चिपकाने के लिए आप ग्लूगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं ग्लूगन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये जल्दी से चिपक जाते हैं।
इस तरह से। फेविकॉल से भी इजी है चिपकाना, क्योंकि ये पेपर से बना हुआ है, तो हम फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अब हमें इसे सबको असेंबल करना है। ये हम इसका कवर बना रहे हैं। अब देखिए कितना आसान है ये बनाना। अच्छी तरह देख लें चारों तरफ से सेट करके। ये हमारा असेंबल हो गया, आराम से बंद हो जाते हैं। इसमें ऑयल पेंट का यूज़ किया है। अगर आप ऑयल पेंट का यूज़ करेंगे जो दीवारों खिड़कियों में लगता है, उस पेंट से ये और भी मजबूत हो जाते हैं, इनकी शाइनिंग और अच्छी हो जाती है। इसलिए आप ये भी अगर घर में आपके बचे हुए हैं तो आप इसका इस्तेमाल भी करें, और इससे ये थोड़ा मजबूत और ज़्यादा हो जाता है। हम इसमें थोड़ा ग्लू डालेंगे ऐसे, और ब्रश की हेल्प से इसको फैला लेंगे इस तरह से। मेरे पास इस तरह के स्पार्कल घर में बचे हुए थे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। दीपावली है इसलिए मैं इस तरह के ग्लिटरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको बिल्कुल प्लेन रख सकते हैं। आप चाहें तो अगर पेंट ना भी करना चाहें इसमें, ओरिजिनल पेपर वाले जैसा पेपर दिख रहा था वैसा भी रखना चाहें तो ये बहुत सुंदर दिखता है ओरिजिनल लुक में भी। तो आप अगर इसको पेंट नहीं करेंगे तो आप इसमें सीधे वार्निश का यूज़ करें, जिससे ये बहुत शाइनी, मजबूत और खूबसूरत दिखेंगे, और थोड़ा यूनिक भी लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो न्यूज़पेपर से बना हुआ है, तो एक अलग ही लुक ऐड करता है। जस्ट हमने हल्का सा ग्लिटर इसमें डाल दिया। अब हम थोड़े से मिरर्स लगा देंगे इसके ऊपर। हमने इसे पूरा इसमें मिरर लगा दिया है। आप चाहें तो इसके किनारे किनारे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और ये अब हम इसका लिड बंद कर देते हैं, और देखें हमारा डब्बा बनके रेडी हो गया है। देखें इसमें कोई भी गिफ्ट आइटम डाल करके आप किसी को भी देंगे अपने लव्ड वंस को, तो यकीन जानिए बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप जो भी काम अपने हाथों से करते हैं जिसमें आपका एनर्जी, आपका टाइम लगा होता है, वो अनमोल होता है, इसकी कोई कीमत नहीं। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर बनाएं कलरफुल और ख़ूबसूरत डब्बे। ये वाले देखें, ये मेरे पास काफ़ी टाइम से था, मुझे नहीं याद, मैं इसका बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी मजबूत और बहुत अच्छे। और जब भी आपको लगे कि ये डल हो रहे हैं तो एक कोट एक्रेलिक कलर का डाल दें और ये वैसे ही नए हो जाएंगे। यहाँ मैंने पेपर से ही डिज़ाइन बना दिया है। आप चाहें आपके पास जो इजी अवेलेबल रहें उससे करें। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर टिकाऊ कंटेनर हमारा रेडी हो गया।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिव नेचर, लव नेचर।